म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अगला जो प्रोसेस आता है उसका नाम है इंसनेरेशन अब इंसनरेशन क्या होता है तो इंसनेरेशन इज अ थर्मल पावर ट्रीटमेंट प्रोसेस बाय विच द वेस्ट इज बर्न इन टू एशेस इंसनरेशन एक थर्मल ट्रीटमेंट होता है जिसमें वेस्ट को हम एशेस में बदल देते हैं मतलब राख में बदल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा एक्सेस होती है टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी इससे टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है और क्वांटिटीटी भी रिड्यूस हो जाती है हमारे वेस्ट की इसमें आगे है द रिडक्शन इन वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द वेस्ट अचीव्ड कैन बी एज हाइएस्ट नाइन्टी परसेंट मतलब जो टोटल वेस्ट होता है उसका नाइन्टी परसेंट तक हम उसका वॉल्यूम और उसका वेट हम कम कर सकते हैं इंसेंट्रेशन कैन ऑल्सो बी ऑप्टेन्ड डिफाइंड एज अ कंट्रोल्ड कम्बशन प्रोसेस फॉर रिड्यूसिंग सॉलिड्स लिक्विड्स एंड स्लजेस इन सी ओ टू एंड अदर गेसेस दैट आर नॉन कम्बस्टिबल इसके बाद फर्दर कम्बशन इज नॉट पॉसिबल मतलब इंसनड्रेशन जो है उसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम जो सॉलिड्स को रिड्यूस करने की एक प्रोसेस होती है इंसनरेशन इसमें सॉलिड्स भी रिड्यूस हो जाते हैं लिक्विड भी रिड्यूस हो जाते हैं स्लजेस भी रिड्यूस हो जाते हैं सीओ टू गैस में मतलब जो रिलीज होती है वो सीओ टू गैस होती है और दूसरी गैसेस होती है और वो ये सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो जो हमारी नॉन कम्बस्टिबल होती है मतलब इसके बाद इंसनरेशन प्रोसेस करने के बाद जो भी एंड प्रोडक्ट बचता है उसको हम फिर से और ज्यादा नहीं जला सकते एकदम राख बन जाता है वो एयर पॉल्यूशन रिमेन्स मेजर प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसनरेशन अब जब हम आग लगाते हैं तो धुआं निकलता है और उसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है तो इंसेंडरेशन का एक तरीके से यह डिसएडवांटेज हो जाता है ऑल्सो द इकोनॉमी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन केयर ऑफ एज इट इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस इंसनरेशन जो एक प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है क्योंकि फ्यूल वगैरह का भी खर्चा आएगा इसमें और भी दूसरे बहुत सारे मैनेजमेंट के खर्चे आते हैं तो इंसनरेशन का जो मैनेजमेंट एम क्राइटेरिया क्या होगा ये देखते हैं आप इंसनरेशन इज स्पेशली रिलेवेंट फॉर द ड्राई बीन कॉन्टेंट इन अ टू बीन सिस्टम इंसनरेशन जो है वो रिलेवेंट होती है एक ड्राई बीन जो कॉन्टेंट होता है हमारा मतलब दो दो तरीके के बीन होते हैं Uh, एक वेट ग्रीन मतलब सूखा कचरा एक गीला कचरा तो सूखे कचरे के लिए स्पेशली ये रिलेवेंट होता है इफ द वेस्ट इज अनसेग्रीगेटेड सेग्रीगेशन बिकम्स नेसेसरी बिफोर इंसनड्रेशन अगर हमने गीला और सूखा कचरा अनसेग्रीगेटेड वेस्ट हमने अगर लाए हुए हैं तो सेग्रीगेशन मतलब हम गीले कचरे को पहले अलग करेंगे और सूखे कचरे को बाद में अलग करेंगे द एलसी मतलब लोअर कैलोरी वैल्यू ऑफ द वेस्ट मस्ट बी एटलीस्ट फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टी नहीं वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी किलो कैलोरी के मतलब कि सिक्स एमजे पर के थ्रू आउट ऑल सीजन तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो 1450 किलो कैलोरी होती है थ्रू आउट हर सीजन में और जो एनुअल एवरेज एल होती है वो 1700 किलो कैलोरी पर के से ज्यादा नहीं होना चाहिए द इंसनरेटर मस्ट बी डिजाइंड इन द लाइन विथ ये सब क्राइटेरिया पड़ रहे हैं हम इंसेंट्रेशन का तो जो इंसनरेटर जो होता है हमारा उसको डिजाइन करेंगे हम इनलाइन अवेलेबल टेक्नोलॉजी से हम उसको डिजाइन करेंगे ताकि हम एक स्टेबल और कंटिन्यूस ऑपरेशन उसका इंश्योर कर सकें और कंप्लीट जो बर्नआउट रहेगा वेस्ट का उसको भी हम इंश्योर कर सकें और जो भी गैसेस रहेंगी वो भी प्रॉपरली रेगुलेट हो इसको भी हम इंश्योर कर सकें प्रीफेबली हम करते क्या है प्रीफर करते हैं कौन सा इंसनड्रेटर तो ग्रेट इंसेंड्रेटर जो रहता है उसको हम यूज करने के लिए प्रीफर करते हैं उसके बाद द सप्लाई ऑफ वेस्ट शुड बी स्टेबल जो वेस्ट है हमारा उसकी सप्लाई हमको स्टेबल रखना चाहिए और जो अमाउंट है वो एटलीस्ट 500 सौ टन्स पर डे सेग्रीगेटेड वेस्ट का होना चाहिए लगभग तब जाके हम इंसेंट्रेशन करेंगे मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट में 500 सौ टन्स पर डे जो हमारा कचरा है वो कम से कम निकल रहा हो और हमारी सप्लाई जो है वो स्टेबल हो तब हम इंसेंट्रेशन प्रेफर करेंगे इसके बाद प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्रि और स्टीम कैन बी सोल्ड ऑन सस्टेनेबल बेसिस तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या भाप प्रोड्यूस होगी उसको हम बेच सकते हैं उसके बाद सिंस द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है द प्लानिंग फ्रेमवर्क शुड हैव अ हॉरिजोन ऑफ 25 फाइव ईयर्स और मोर मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो कम से कम हम इसको 25 साल के लिए डिजाइन करेंगे ये आप देख सकते हैं डायग्राम में ये जो है फ्लू बनी हुई है इसके थ्रू धुआं बाहर जाता है जब आग लग जाती है तो फ्लू के थ्रू इसके बाद इसमें जो की कंसिडरेशन होते हैं इंसेंड्रेशन में मिनिमम टेम्परेचर जो हम प्रोवाइड करते हैं कम से कम साढ़े आठ सौ डिग्री हम प्रोवाइड करते हैं मिनिमम डिटेंशन टाइम जो रहता है फ्लू गैसेस के निकलने का वो रखते हैं हम टू सेकेंड इंसेंड्रेटर के अंदर बिकॉज सफिशियंट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन के लिए हमको जरूरी रहता है इसलिए हम फ्लू गैसेस का डिटेंशन टाइम इसमें इंसनड्रेटर में दो सेकेंड रखते हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंसनड्रेटर में ऑक्सीजन की एंट्री होती है और ऑक्सीजन की एंट्री होने से क्या होता है NH3 थ्री जो जब वो रिलीज करती है ऑक्सीजन के साथ तो एनओ थ्री बनाती है और H2S टू एस के साथ जब रिलीज करती है तो SO3 थ्री बनाती है जो कि ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड होते हैं उसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिमम जो ऑक्सी ऑक्सीजन कंटेंट होता है इट शुड बी मेंटेन्ड टू मिनिमाइज करोजन ऑप्टिमम हमको ऑक्सीजन कंटेंट uh, इसको मिनिमाइज इसको हमको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है ताकि हम जो जंग लग सकती है इंसनड्रेटर में उस करोजन को हम uh, निकाल मतलब मिनिमाइज कर सके कम से कम कर सके और कंप्लीट कम्बेशन भी इससे इंश्योर हो जाता है ऑक्सीजन अगर बढ़िया मात्रा में रहती है तो फिर इसमें अगला पॉइंट आता है इंसेंड्रेटर पर कि द कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्टेंट ऑफ द फ्लू गैसेस इज अ की इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ कम्बेशन मतलब की अगर हमको क्वालिटी ऑफ कम्बन देखना है तो हम उसमें देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कितनी क्या है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंटेंट है ये एक इंडिकेटर होता है कंबशन की क्वालिटी का अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है तो इनसफिशियंट कम्बशन होगा अगर ढंग से कम्बशन मतलब जल नहीं रहा है तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पर ज़्यादा होगा और अगर अच्छे से जल जाएगा तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगी और सी ज़्यादा होगा इसके बाद इंसेंड्रेटर का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि फ्लाई एश एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ टॉक्सिक कम्पाउंडस एंड डॉक्सिन एंड फ्यूरानस तो जो कंपाउंड्स होते हैं ये जो कि टॉक्सिक होते हैं जैसे डाइऑक्सिन हो गया और फ्यूरानस हो गया ये टॉक्सिक कंपाउंड का सिंथेसिस के लिए जो फ्लाई ऐश होती है हमारी वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है फ्लाई एश शुड बी रिड्यूस्ड और कम्प्लीटली रिमूव्ड ड्यूरिंग इंसन्रेशन तो फ्लाई एश जो है उसको हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं और हम इसको कंप्लीटली रिमूव करने की कोशिश करते हैं इंसनरेशन के दौरान द फ्लू गैस प्रोड्यूस्ड कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड बाय अ सिमेट्रिक प्रोसीजर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी तो जो फ्लू फ्लू गैस प्रोड्यूस होती हैं उसको हम फिर से प्रोसेस करके इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इसके थ्रू इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो इंसनरेटर है वो वो क्या कर रहा है एटमॉस्फेयर में उसमें से हवा जा रही है और इंसनड्रेटर से क्या होता है अब हम प्रोसेस कर सकते हैं गैसेस को और उसमें से हीट निकलेगी और हमारे बाय प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हमारे को निकल के मिल जाएगी उसके बाद जो सिटिंग होती है साइटिंग होती है जो इंसनड्रेशन प्लांट की उसमें क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो ये हम देखेंगे कि द लोकेशन ऑफ एम एस डब्ल्यू प्लांट शुड ऑलवेज बी डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू बोथ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज तो इकोनॉमिक और एनवायरमेंट इशू दोनों को ध्यान में रखते हुए हमको एक ऐसी साइट ढूंढना पड़ता है जहाँ पे हम इंसेंटेशन प्लांट लगा सकें। एम एच डब्ल्यू इंसेंेशन प्लांट शुड बी लोकेटेड इन लैंड ज़ोन्स डेडिकेट टू तो मीडियम एंड हैवी इंडस्ट्रीज ऐसी जगह जहां पे कि हम मीडियम और हैवी इंडस्ट्रीज लगाते हैं वैसी ही जगह पे हमको मुंसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए इंसेंड्रेशन प्लांट भी लगाना चाहिए मुंसन मुंसिपल सॉलिड वेस्ट इंसेंड्रेशन प्लांट शुड बी एटलीस्ट तीन सौ मीटर अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल जोनस तो जहां पर भी लोग रह रहे हैं वहां से कम से कम तीन मीटर दूर इंसेंड्रेशन प्लांट होना चाहिए अ कंट्रोल्ड एंड वेल ऑपरेटेड लैंडफी मस्ट बी अवेलेबल नियर बाय फॉर डिस्पोजल ऑफ रेसिड्यूज अब जब हम इंसेंड्रेशन प्लांट लगाएंगे तो वहां पर से रेसिड्यू भी निकलेगा उसका एंड प्रोडक्ट भी निकलेगा और उस एंड प्रोडक्ट डिपोजल के, के लिए हमको जरूरत पड़ेगी डिस्पोजल की उसके तो उसको डिस्पोज करने के लिए हमारे पास लैंडफिल पास में ही अवेलेबल होना चाहिए इंसनरेशन प्लांट के तो ज़्यादा अच्छा होगा उसके बाद कुछ की पैरामीटर्स रहते हैं ताकि हम इंसनरेटर इंसनरेटर की सिलेक्ट कर सके कि हमको किस तरीके का इंसनरेटर हमको सिलेक्ट करन, करना है तो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं वॉल्यूम रिडक्शन एक पैरामीटर होता है हम ये हमेंगे कितना इंसनरेटर से कितना वॉल्यूम रिड्यूस होगा इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेबलाइजेशन ऑफ वेस्ट Uh, किस तरीके से करेगा हमारा इंसनरेटर उसके बाद हम देखेंगे कि रिकवरी ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट उस वेस्ट से किस तरीके की एनर्जी हमको कितनी मात्रा में कितनी क्या मिल रही है वो एनर्जी देखेंगे और स्टेरलाइजेशन मतलब कि उसको नॉर्मलाइज किस तरीके से करेंगे उसको हम तो ये चार की पर, टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं इंसनरेटर की को सिलेक्ट करने के लिए वॉर डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द वेस्ट इंसनड्रेटर शुड डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट बाय अबाउट एटलीस्ट एट्टी फाइव परसेंट तो अगर हम हम मतलब अगर हमारा वेस्ट इस तरीके का कंपोज्ड है कि उसमें वो ज़्यादा मात्रा में नहीं जलेगा तो हम इंसनड्रेटर का जो वॉल्यूम वा है उसको मतलब उसका वॉल्यूम रिडक्शन एटी फाइव परसेंट जैसे कि नॉर्मली है नाइन्टी परसेंट तक जला देता है कचरे को लेकिन हम इसको रिड्यूस करके एट्टी फाइव परसेंट तक भी ला सकते हैं ड्यूरिंग इंसनेशन एनवायरमेंटल लाइबिलिटी शुड ऑल्सो बी चेकड एज पर सी पी सी बी एमिशन नॉर्म अब जब इसमें से गैस निकलेगी तो सी पी सी बी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसके जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हमको गैस रिलीज़ करना है ऐसा नहीं कि जहरीली टॉक्सिक गैसेस हम एटमोसफियर में रिलीज़ करने लग गए तो उसके बाद आता है इंसनरेटर आउटपुट शुड बी इनर्ट नॉन रिएक्टिव एज इट शुड हैव ऑक्सीडाइज द वेस्ट तो इंसनरेटर का जो आउटपुट है मतलब जो हमारी गैसेस हैं वो सारी इनर्ट गैस होना चाहिए इनर्ट गैस मतलब कि नॉन रिएक्टिव गैसेस होना चाहिए एंड इट शुड हैव मतलब जो हमारा जो भी वेस्ट है वो पूरा ऑक्सीडाइज होना चाहिए अल्टीमेटली उसके बाद पायरोलिसिस आता है पायरोलिसिस क्या प्रोसेस होती है यह भी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की अगली प्रोसेस होती है तो पायरोलिसिस में क्या होता है पायरोलिसिस इन्वॉल्वस एन इर केमिकल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ हीट इन एन एटमोस्फियर टू अवॉइड डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन तो पायरोलिसिस क्या होता है पायरोलिसिस एक इर केमिकल चेंज होता है मतलब कि इसको बदला नहीं जा सकता है रिवर्सिबल मतलब बदला जा सकता है और इिवर्सिबल मतलब नहीं बदला जा सकता है तो ये किसके किसके द्वारा लाया जाता है इट इज़ ब्रॉड बाय द एक्शन ऑफ हीट ये जला के हम लाते हैं एटमोस्पियर एटमोस्पियर में हम जलाते हैं पर यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है ठीक है यहाँ पे डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन होता है ठीक है तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम पैरोलिसिस बोलते हैं ऑक्सीजन होगा तो इंसनरेशन करते ही हैं नहीं नहीं। तो है ना तो सिनोनिमस टर्म्स आठ थर्मल डिकम्पोजेशन भी बोलते हैं इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं इसको और कार्बोनाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको तो पायरोलिसिस को क्या बोल सकते हैं हम कार्बोनाइजेशन डिकम्पोजिश थर्मल डिकम्पोजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं पायरोलिसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है ये एक और हीट जो है उसमें कंटिन्यूसली हमको अप्लाई करना पड़ता है इसको हम पांच से एक डिग्री सेल्सियस के ऊपर करते हैं और ये तीन बाय प्रोडक्ट्स बनाती है गैस लिक्विड और चार जब हम इसमें वेस्ट डालते हैं तो पायरोलिसिस से तीन बाय प्रोडक्ट बनते हैं गैस लिक्विड और चार अब क्या है ये गैस जो है इट इज द मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेज सच एस सी एच फोर सी ओ टू एच टू एंड गैसेज तो ये चार पांच गैस निकालती है पायरोलिसिस प्रोसेस में मिथेन सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड और एच जेड एंड सीओ और कुछ अलग अलग गैसेस और लिक्विड जो है लिक्विड क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ टार इसमें टार होता है पिच होता है ऑयल होता है और लो बॉइलिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड इथेनॉल एसेट्रा ये सारे लिक्विड भी निकालती है गैस पायरो प्रोसेस उसके बाद जो चार होता है वो क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंटल कार्बन अलोंग विथ अदर इनर्ट मटीरियल तो चार के अंदर मतलब चारकोल्ड से आप रिलेट कर सकते हैं कि इसमें कार्बन होता है है ना और कुछ इनर्ट मटेरियल होता है इसके अंदर उसके बाद जो गैस लिक्विड और चार रहता है आर यूजफुल बिकॉज ऑफ देयर हाई कैलोरीफिक वैल्यू इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू इनकी मतलब बहुत अच्छे से जलते हैं इसलिए इनको उपयोग में लाया जा सकता है ये काफी यूजफुल होते हैं पार्ट ऑफ द हीट ऑप्टेंड बाय कम्बेशन इज ऑफन यूज एज द एज द प्रोसेस हीट फॉर द एंडोथर्मिक पायरोलिटिक एक्शन तो इनके थ्रू ही हम फिर से उसके बाद और कम्बशन करके इनकी मदद से मतलब और ज़्यादा अच्छे से पायरोलिसिस रिएक्शन को एंडोथर्मिक बना सकते हैं जिसमें कि हीट रिलीज होती है इसको हम एंडोथर्मिक बोल देंगे सो इट इज यूजअली ऑबर्व दैट आफ्ट यूटिलाइजिंग द हीट इन पायरोलिसिस इट सेल्फ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा हीट स्टिल रिमेन्स विच कैन बी फर्दर यूटिलाईज तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम पायरोलिसिस कर रहे हैं तो पहले तो हम हीट अप्लाय कर रहे हैं उसके बाद और हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसी का यूज करके हम फिर से पायरोलिसिस कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसी हीट बच सकती बच जाती है हमारे पास कि जिसका हम फर्दर यूज भी कर सकते हैं दूसरा भी उपयोग कर सकते हैं तो जो गैस इसमें प्रोड्यूस होती है पायरोलिसिस में उनको सिन गैस बोला जाता है सिन गैस एस वाई तो अब सिन गैस क्या होती है सिन गैस इज मिक्सचर ऑफ सीओ एच जेड सी एच फोर एंड ब्रॉड रेंज ऑफ अदर वीओ लाइक फिनॉल तो जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन मतलब जो वी ओ सी हो गए फेनॉल हो गए और ये सारी इस तरीके इन तरीके सी ओ एच जेड सी एच फोर इन सभी तरीके के गैसेज का मिश्रण को हम सिंग गैस बोलते हैं सिनगैस इज फर्दर रिफाइंड टू रिमूव पर्टिकुलरट मैटर अब सिन गैस का उपयोग हम करते हैं पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए हाइड्रोकार्बन को रिमूव करने के लिए और दूसरे मैटर जो होते हैं पर्टिकुलेट मैटर के अलावा भी उनको भी रिमूव करने के लिए एंड इज देन कम्बस्टेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और इसके लिए इसलिए हम इनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इनका यूज कर सकते हैं द गैस टिपिकली हैज एनसीवी मतलब की नेट कैलोरीफिक वैल्यू जो इनकी होती है सिन गैस की वो होती है 2800 सौ से अड़तालीस सौ किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब या फिर इसको 10 टू 20 एमजे पर मीटर क्यूब भी हम इसको बोल सकते हैं एनसीवी क्या होता है एनर्जी आउटपुट माइनस एनर्जी इनपुट अब आप ये देख सकते हैं इसमें क्या होता है आप डायग्राम में चार्ट डायग्राम में सिंपली देख सकते हैं वेस्ट आता है सबसे पहले फिर पायरोलिसिस चैम्बर में जाता है पायरोलिसिस चैम्बर से गैस निकलती है चार निकलती है और लिक्विड निकलता है अब गैस जो होती है गैस को हम फिर से प्रोसेस करते हैं इसमें मेनली जो प्रोसेस करने लायक गैस होती है वो होती है मिथेन यानी कि सी एच फोर और उसके बाद इसको वापस हम इनपुट में भी दे देते हैं और इधर से नेट आउटपुट एन वी भी निकल जाते हैं और प्रोसेस करने के बाद पायरोलिसिस चैम्बर से अब अदर बाय प्रोडक्ट्स तो निकलते हैं ही उसके बाद अगला जो मेथड होता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने का वो होता है गैसिफिकेशन तो अब गैसिफिकेशन क्या है गैसिफिकेशन इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच मोस्ट ऑफ द कार्बन इज कन्वर्टेड इन टू सिन गैस तो ये एक ऐसी पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो आ, मतलब कार्बन रहता है आ, मतलब जो, जो उसका परसेंटेज रहता है वो सब कुछ सिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है दिस इज डन बाय पार्शियल कम्बशन ऑफ पोर्शन ऑफ द फ्यूल इन द रिएक्टर विथ प्योर ऑक्सीजन एनरिज्ड एयर और बाय रिडक्शन विथ स्टीम अब गैसिफिकेशन हम करते कैसे हैं तो पार्शियल कंबेशन जो होता है मतलब कंप्लीट कंबेशन नहीं होता पार्शियल कंबेशन कुछ पार्ट होता है उसका तो उसका पार्शियल कंबेशन करके जो भी हमारा फ्यूल है उसका पार्शियल कंबेशन कर देते हैं हम रिएक्टर के अंदर और उसमें प्योर ऑक्सीजन जो रहता है उसको डाला जाता है और इस प्रोसेस ये जो हमारा पायरोलिसिस था वो एंडोथर्मिक प्रोसेस थी और गैसिफिकेशन जो होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बट इट रिक्वायर्स सम हीट टू इनिशिएट एंड सस्टेन द गैसिफिकेशन प्रोसेस तो ये एक्सोथर्मिक तो प्रोसेस होता है लेकिन फिर भी इसको कुछ ना कुछ जरूरत होती है हीट की ताकि वो गैसिफिकेशन हमारी प्रोसेस चालू हो सके टिपिकली एनसीवी ऑफ है से दस एमजे पर मीटर क्यूब इसकी एन एंस, सी कितनी होती है चार से दस एम एं, एमजे पर मीटर क्यूब और जो इसका मेन गैसियस प्रोडक्ट निकलते हैं वो होते हैं सीओ टू सी एच फोर और एच टू तो ऑल टोटल हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी अगर पायरोलिसिस यूज करेंगे तो इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट हमको क्या क्या मिलने वाले हैं प्राइमरी प्रोडक्ट मिलेंगे हमको चार लिक्विड और गैस गैसिफिकेशन यूज करेंगे तो हमको मिलेगा गैस और अगर हम इंसनरेशन यूज करेंगे तो हमको मिलेगी हीट तो चार से हमको मिल जाएगा एक्टिवेटेड कार्बन लिक्विड से हमको मिल जाएगा इथेनॉल और गैस से हमको मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी गैसिफिकेशन से जो लिक्विड मिलेगा उसमें हमको मिल जाएगा रेसिड्यू और पार्शियली डिकम्पोज जो रहेगा ये लिक्विड और इसको हम उसके बाद और फर्दर ट्रीट कर सकते हैं उसके बाद जो इंसनरेशन होता है उसमें हमको हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट हीट रहता है और सबसे लास्ट में एट लास्ट हमको मिल जाती है इलेक्ट्रिसिटी